रुद्रपुर में अपने पति और पारिवारिक मित्रों के साथ जा रही एक NRI युवती ने एक युवक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए पहले तो आरोपी युवक की जमकर क्लास ली, बाद में अपने पति के पारिवारिक मित्रों के साथ आपा खोते हुए आरोपी युवक पर हमला कर दिया। इस दौरान NRI युवती ने आरोपी युवक के गाल पर चांटा भी रसीद कर दिया। जिस दौरान रुद्रपुर के गाबा चौक पर यह पूरा हंगामा हो रहा था, उस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में मौके पर पुलिस पहुंच गई और शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। फिलहाल सोशल मीडिया में NRI महिला के हंगामे की पूरी वीडियो काफी वायरल हो रही है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए संदीप पांडे की रिपोर्ट, रुद्रपुर। जनहित में बीते दिनों देवरिया स्थित टोल प्लाजा को बंद कराया जाना भाजपा की एक जनप्रतिनिधि को खासा अखर रहा है। उन्होंने इसे खुलवाने के लिए अंदर खाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सूत्र बताते हैं कि उक्त जनप्रतिनिधि टोल प्लाजा जल्द से जल्द खुलवाने के लिए गल्फार कंपनी का पूरा साथ दे रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने मामले को लेकर गल्फार कंपनी के अधिकारियों की मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग कराई है, लेकिन फिलहाल CM के दरबार में उन्हें राहत नहीं मिल सकी है। किच्छा रोड देवरिया स्थित टोल प्लाजा का मामला है, जहाँ पर CM दरबार अब पहुंच चुका है। दरअसल NH-74 पर बने इस टोल प्लाजा को 22 जून को विधायक राजकुमार ठुकराल के विरोध प्रदर्शन के बीच इस शर्त पर बंद करा दिया गया था कि जब तक NH पर अधूरे निर्माण कार्य पूरे नहीं होंगे, तब तक टोल प्लाजा पर वसूली नहीं होगी। विधायक ने निर्माण कार्य शुरू होने तक वसूली बंद रखने के लिए गल्फार कंपनी के अधिकारियों को लिखित सहमति भी ली थी। इसमें गल्फार कंपनी के अधिकारियों ने NHI के अधिकारियों से कहा था कि निर्माण शुरू होने तक टोल की वसूली नहीं की जाएगी, तभी से टोल प्लाजा पर वसूली बंद है। इससे गल्फार कंपनी को रोजाना लाखों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते गल्फार कंपनी के अधिकारी टोल प्लाजा जल्द से जल्द शुरू कराने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि टोल प्लाजा खुलवाने की इन कोशिशों से गल्फार कंपनी के अधिकारियों के अंदर भाजपा के एक जनप्रतिनिधि कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए मनोज खांडपाल की रिपोर्ट, रुद्रपुर, उत्तराखंड।